बहनों, हम लोग आज मिलकर सीखेंगे चंद्रबिंदु और छोटा ऊ। आप सोच रही होंगी कि ये चांद और तारे आसमान की बजाय टीवी पर कैसे दिख रहे हैं। चांद को यूं घुमाया और उस पर रखा एक टिमटिमाता हुआ तारा, ये है चंद्रबिंदु, जो कि शब्द बनाने में बहुत काम आता है। क्यों, लगता है ना चांद और सितारे की तरह? ये चांद और बीच में एक सितारा बन गया चंद्रबिंदु। बहनों, आज मैं तुम्हारे लिए चांद सितारे तोड़ कर लाई हूँ। हैरान मत हो, हैरान मत हो, मेरा मतलब है आज हम लिखेंगे चंद्रबिंदु। क्योंकि ये बिल्कुल चांद जैसा लगता है। लिखें, देखो, सबसे पहले ये आधे चांद जैसी लकीर बनाई ऐसे, और उसके पेट में एक बिंदी। तो तुमने सीख लिया ना चंद्रबिंदु? लगता है अब तो सब कुछ आसान होता जा रहा है, मजा आ रहा है ना सीखने में नए नए अक्षर, नए नए मात्राएं। चलो देखा तूने? उस कलमुई ने घर आने से मना कर दिया है। मुझे भी चैन नहीं है अम्मा, जब वो यहाँ थी तो रोज घर से बाहर निकाले थी, और अब चली गई तो बुलाने के पीछे पड़ी है। किसी ने ठीक ही कहा है, अपने ही सिक्का खोटा हुआ ना तो परखने वाले का क्या दोष? अब मैंने क्या कर दिया? अरे सब कुछ तूने किया है, बड़ा मर्द बनता है। अरे अपनी जोरू को तो काबू में रख नहीं सकता। इसमें काबू में रखने की क्या बात है, मुझे पता है वो प्रेम नगर में है, पढ़ाई कर रही है। हाँ, प्रेम नगर में पढ़ाई कर रही है या के प्रेम कर रही है? अम्मा जो मुंह में आवे बोली चली जावे। तो फिर वो बात बोलती हूँ जो तेरे भेजे में आवे। ऐसे बोल तो तेरे पास है ही ना ना। तो सुन ले, या तो सीधी तरियों जा और उसे बाल पकड़ के घर ला, नहीं तो तेरा दूसरा ब्याह कर दूंगी मैं, समझा? अरे हाथ पैर से हट्टा कट्टा है, अच्छी खासी मजूरी लावे, अच्छी से अच्छी छोरी मिलेगी। हाँ मिलेगी, जब जब मैं ब्याह करूंगा। क्या माँ की बात नहीं मानेगा? तू ही सोच माँ, मैं बेफजूल में दूसरा ब्याह कैसे कर लूंगा? इसमें कमला का दोस्त क्या है? ना ना, उसका तो कोई दोस्त ना है, वो तो सती सावित्री है। उससे कम भी ना है, कितना बलिदान दिया है उसने, कितनी मेहनत कर रही है, मैं जानता हूँ, केवल इसलिए कि मेरी जिंदगी बन जाए। तेरी जिंदगी ना, वो अपनी जिंदगी बना रही है, तुझे तो घास फूस की तरह उठा के बाहर फेंक दिया उसने। इन बातों में क्या रखा है अम्मा, अपनी मन की आंखें खोल और अपने दिल पे हाथ रख के सोच कि क्या वो तेरी सेवा ना करी थी, सारा घर का काम करे थी वो। सब बहुएं करे, वो कोई निराली ना थी। मगर हर सास बहू पर इतना जुल्म नहीं तोड़ा है। तेरे कहने का मतलब क्या है? हैं? मैं जालिम हूँ? हाँ, कमला के लिए तो तू जालिम ही है। क्या तू क्या समझे है, तेरी दो रोटियों के लिए मैं यहाँ पड़ी हूँ, तभी ऐसी बड़ी बड़ी बातें बोले है तू? अरे जा, जा के ले अपनी चहेती को, मैं ना रहती यहाँ। अरे अम्मा तू कहाँ चली? कहीं भी चली, तुझे क्या, इतनी बड़ी धरती पे मेरे लिए ठिकाना नहीं है तो कोई बात नहीं, भगवान के घर तो है। अरे जान दे दूंगी, मर जाऊंगी मैं। हाँ अम्मा, देखो ये कौन सा पक्षी है? नहीं पता, तुम लोगों ने इसे रात में ही बोलते हुए सुना होगा। अरे भाई, ये है उल्लू। कुछ लोग इसे मनहूस समझते हैं, पर ये हमारे लिए बहुत काम का पक्षी है। ये चूहे खाकर हमारी फसल को बचाता है। और अब इसकी आंखों के आसपास जरा गौर से देखो,
ये है अक्षर ऊ। मैंने ठीक कहा ना, उल्लू की आंखों को गौर से देखो तो अक्षर ऊ नजर आएगा। नमस्ते बहनों, आज मैं बड़ी जल्दी में अक्षर लेकर आई हूँ। पता कौन सा? छोटा ऊ। तो लिखे सब मिलकर, हाँ? पहले आधा गोला, फिर उसके नीचे आधा गोला, छत की लकी, और ये बन गया छोटा ऊ। तो एक बार फिर से लिखे। अरे बहन जी, आप कब आई? काफी देर हो गई। चाय तो ना पी होगी आपने, मैं चाय बना के लाती हूँ। अरे नहीं कमला, चाय मैं खुद बना लूंगी। तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास कितनी औरतें हैं जो काम सीख गई हैं? ये कोई 17 बहन जी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो सोच रही थी ये कोई 8-10 होंगी। पर बहन जी, काम करने वाली तो 50 हो जाएंगी, पर उसके लिए हमारे पास ना तो जगह है और ना सामान, और ना ही उन्हें देने के लिए मजूरी। अरे कमला, धीरज रखो। अच्छा, तो तुम्हारी पहली समस्या है जगह। हाँ बहन जी। इसके लिए मैंने सरपंच जी से बात कर ली है और वो जगह देने को राजी भी हो गए, और कुछ ही दिनों के बाद वहाँ कुछ कमरे भी डलवा देंगे वो। मुफ्त में बहन जी? मुफ्त क्यों? हाँ, मगर कम किराए पर, इतना जितना कि तुम आसानी से दे सको। ये तो बड़ा ही अच्छा होगा ना बहन जी, है ना? अच्छा, तो दूसरी समस्या है तुम्हारे सामान की। तो वो जो सहकारी समिति है ना शहर में, उन लोगों से मैंने बात की थी, वो तुम्हें सामान देंगे भी, और तुम्हारा बनाया हुआ जो सामान है ना वो लोग ले लेंगे, खरीद लेंगे। आप कितनी अच्छी है बहन जी। रहने दे। अच्छा, तीसरी समस्या मजदूरी की। तो भाई, इसके लिए तो तुम्हें बैंक से उधार लेना पड़ेगा। बैंक से? पर बहन जी, बैंक वाले तो मेरे को नहीं जानते, फिर उधार? अरे पगली, बैंक वाले कोई अपने रिश्तेदारों को उधार थोड़ी देते हैं। ये तो हमारी सरकार का आदेश है कि जो कोई काम करना चाहे उसकी सहायता की जाए। सच्ची बहन जी? देखो चंद्रबिंदु कितने काम का है। ये है माँ, इस पे लगाया चंद्रबिंदु, बन गया माँ। और इसी तरह ये है हा, इस पे लगाया चंद्रबिंदु, बन गया हाँ। ये है कहा, क ह और आ का डंडा, और इसी पर एक चंद्रबिंदु लगा दें तो बन जाता है कहा। ड आ ट डांट, और अब देखो इस चंद्रबिंदु लगाने से क्या बन जाएगा। जी हाँ, डांट। ड इसके ऊपर चंद्रबिंदु, आ ट डांट। ये अंडा है, ये तो तुम्हें मालूम ही होगा। अ अप बिंदी ड आ अंडा। और ये है उंगली, ऊ ऊ पे बिंदी ग ल, ल पे बड़ी ई की मात्रा, उंगली। अरे अरे, इस उस्तरी ने तो लाला जी की आधी मूंछ ही उड़ा दी। उ स त र आ, बस स का डंडा हटा दिया तो बन गया उस्तरा। ये बाल्टी लोटा ये सब कैसी हो गई? अरे भाई, ये उल्टी हो गई हैं, क्योंकि हम सीख रहे हैं उल्टा। उ ल
और इस ल में से डंडा हटा दें तो हो गया आधा ल ट आ उल्टा। हा आ का डंडा चंद्रबिंदु हा मा आ का डंडा चंद्रबिंदु मा उ पा ल आ का डंडा उपला छोटा उ बिंदु ग ला बड़ी ई की मात्रा उंगली। कभी कभी मैं सोचूं सुधा कि जब तू इस गांव से चली जाएगी मैं कितनी अकेली रह जाऊंगी। गांव में इतने जोर पड़ रहे हैं भूल जाएगी तू मुझे। अरे ना बेटा तुझे ना भूलने की मैं। पर एक बात बताऊं बेटा जिनने भी मेरा साथ दिया वो ही छूट गया। मौसी तू कहे तो मैं इस गांव से कहीं ना जाऊं। अरे ना बेटा ऐसी अब सब नहीं बात ना बोले। तू अपने घर जा सुख से रह भले भूले मैं तो बस यही चाहूं। मौसी तू पढ़ना क्यों नहीं शुरू कर देती। मौसी बस मेरी बात का तूने जवाब नहीं दिया। क्या कहूं कुछ तो बोल। अरे क्या बोलूं मैं तो दुखी हुई तुझे बता के दुखी क्यों करूं तुझे। ये तुझे क्या हो गया है मौसी पहले तो कितना फूलझड़ी की तरह खिली रहे थी और अब हंसू तो हूं पर भीतर से कितनी दुखी हूं क्या बताऊं तुझे। तू दुखी क्यों है मौसी अच्छी खासी दुकान है तेरी इतना अच्छा बेटा है सारा गांव तुझे सराखों पर चढ़ाता है और क्या चाहिए तुझे। ये तो मैं भी मानूं सुधा कि ईश्वर का दिया सब कुछ है मेरे पास पर फिर भी पता नहीं क्यों लग गया मुझे कि मेरा बचपन कहाँ खो गया। सब मुझसे कहे कि तू पढ़ती क्यों ना है प्रेम भी मुझसे यही कहे पर मेरा मन तो बचपन ढूंढे है जब मैं गौरी चित्ती थी तब मुझे किसी ने पढ़ने क्यों ना भेजा। बहनों हम आज दोहराएंगे इस हफ्ते की सीखी हुई सारी मात्राएं और अक्षर। ड घ र अ त ओ छोटा उ और चंद्रबिंदु। ये तोते की चोंच याद है ना इसी से तो बनता है अक्षर त। तोते की चोंच और अक्षर त। इसे लिखते कैसे हैं? पहचाना ओ की मात्रा को। एक खड़ा डंडा उस पे ए की मात्रा बन गई ओ की मात्रा यानी ओ की आवाज जैसे लो दो बो सो जो हो और थो। अब देखें इसे लिखते कैसे हैं। मैं
ला कमला। जी कमला जी जी मेरी प्यारी कमला बहुत याद आती है, पर क्या करूं, तेरा काम जो अधूरा है। अब मैं तेरा खत किसी से नहीं पढ़वाता, मैं ही पढ़ता हूं। मैं चाहता हूं और जल्दी जल्दी पढ़ूं, तेरे बराबर पढ़ सकूं। पता नहीं तूने क्या लिखा था कि कुछ बना रही है, हम सबके लिए काम होगा। फिर से समझा कर लिखना, तेरा घसीटा। अदरक सब्जी में डालते समय अक्षर अ याद आया कि नहीं? अदरक अ, और इसे लिखना सीखे अपनी पेंसिल से। तुमने अखबार पढ़ना शुरू किया कि नहीं? अ ख ब आ र अखबार की खबर, अखबार की खबर। ले राम राम मौसी। जीती रहे, आज कैसे याद आ गई मौसी की तुझे? आज चार दिन से तुझे देखा जो नहीं। अरे मैं भी तेरे पास आने वाली थी आज। क्या प्रेम की कोई और चिट्ठी आ गई? क्यों, मैं तेरे पास तभी आती हूँ जब प्रेम की चिट्ठी आए तो पढ़वाने लिखवाने आती हूँ क्या? याद कर मौसी, चिट्ठी के बगैर भी तू मेरे पास आई है कभी? क्यों, तेरे गोद भराई पे कौन आया था? मौसी तू भी बस। अच्छा बता क्या चाहिए? माँ ने मेहंदी मंगवाई है। मेहंदी? अरे मौसी क्या हुआ तुझे, कहाँ खो गई? हाँ? ऐसे। अच्छा अपनी अम्मा से कह दीजो कि तेरे सुहाग पूड़े के लिए मेहंदी मैं दूंगी, शहर से ना मंगाएगी। तो खुद ही कह दीजो, मैं नहीं कहूंगी। अच्छा अच्छा मैं ही कह दूंगी। मौसी एक बात बता। पूछ। जब तू छोटी थी तब क्या किसी ने तुझसे पढ़ने के लिए नहीं कहा? मुझसे? हाँ। हरी सुधा मैं छोटी कब थी, मुझे तो लगता है कि मैं पैदा ही बड़ी हुई थी। तेरा ब्याह भी जल्दी हो गया होगा? हाँ ब्याह भी जल्दी हो गया था और विधवा भी जल्दी हो गई, और उसके बाद 2 साल के भीतर भीतर अकेला छोड़ के माँ बाप भी सुरक्षित हार गए। कैसे, उन्हें क्या हुआ था? है जा, और तब तो ऐसा इलाज भी ना था
जो उन्हें मना सकते। फिर तूने क्या किया? क्या करना था, काम करती रहे और जीने के लिए लड़ती रहे, बस। जरा इस डाली को गौर से देखो, बूझो तो किस अक्षर से मिलती जुलती है। डाली शब्द शुरू भी तो उसी अक्षर से होता है। जी हाँ, ड। देखें अब इसे लिखते कैसे हैं। इस ल को तो हम कई बार देख चुके हैं, बस इसे यूं घुमाया और बन गया अक्षर घ। इसे लिखना बहुत आसान है, आओ देखें। अरे देखो तो रहीम चाचा क्या लाए हैं। रहीम डाक लाता है। भाई कमला जी, आपकी स्कीम तो बहुत अच्छी है। तो फिर मेरे को कर्जा मिल जाएगा? जरूर मिल जाएगा भाई। गांव-गांव बैंक की शाखाएं खोलने का असली मुद्दा तो यही है कि किसान बचत करने की आदत डाले और जब भी आवश्यकता हो तो बैंक से सहारा ले। तो मंजू साहब, इसके लिए मेरे को और क्या क्या करना होगा? कुछ भी नहीं, ये फॉर्म मैंने भर दिया है और फिर आपको तो 10,000 रुपए चाहिए ना। हाँ जी। और आपके पास तो गारंटी भी है। वैसे 10,000 तक का लोन तो हम बिना गारंटी के भी कर सकते थे। तो फिर मैं हस्ताक्षर कर दूं? ऐसा कीजिए कि ये आप घर ले जाइए और इसको पढ़ लीजिए, और अगर आप चाहें तो गीता जी को भी दिखा लीजिए। जी ठीक है, तो मंजू साहब मैं कल आऊंगी। ठीक है, आप काम शुरू कीजिए। अगर आप काम बढ़ाना चाहें तो हम और लोन दे सकते हैं आपको। जी धन्यवाद, वो अभी तो काम की शुरुआत ही है, काम चल निकला तो आपको फिर तकलीफ दूंगी। हाँ जरूर, बैंक तो जनता की सेवा के लिए ही होते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। चांद सितारों को देखकर कुछ याद आया। चांद को यूं घुमाया और उसके बीच रखा एक टिमटिमाता हुआ तारा। याद है क्या बन गया? जी हाँ, चंद्रबिंदु। कभी कभी चंद्रबिंदु की जगह केवल एक बिंदु का भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसे लिखना सीखते हैं पेंसिल से। इस उल्लू की आंखों को ध्यान से देखो, लगती है ना बिल्कुल अक्षर ऊ जैसी, और उल्लू ऊ से ही तो शुरू होता है। एक बार फिर देखो, उल्लू की आंखें, लगती है बिल्कुल अक्षर ऊ जैसी। आओ अब इसे लिखना सीखें। कमला, बैंक से उधार लाई। कमला बैंक से उधार लाई। हर माँ पढ़ी लिखी हो। हर माँ पढ़ी लिखी हो। प ज पर अ ना आ का डंडा रा अनार ता बड़ी ई की मात्रा रा तीर मा ओ की मात्रा रा मोर डा आ का डंडा ता डाट गा आ का डंडा सा घास ड आ का डंडा चंद्र बिंदु ता डांट उ अदला ड आका डंडा उल्टा। बिस्किट खा ले। अरे खा ले बेटा, मैं तेरी मौसी हूँ, ले। एक गौरी, तुझे लिखना आवे? कितना? बहुत। इतना सारा लिख ले वे? हाँ लिख ली। तुझे चिट्ठी लिखनी आवे? लिख सकती हूँ। लिखी है कभी? हाँ लिखी है। किसे? आदर्श चाचा, वो मेरे लिए बहुत सारे खिलौने लाएंगे।
अली तू तो बड़े काम की चीज है। क्या तुम्हें भी कोई चिट्ठी लिखवाना है? ना, मुझे तो कोई और काम है तुझसे। तो फिर पढ़वानी है? नहीं। तो फिर मुझे बिस्किट क्यों खिला रही हो? अरे कितनी बुरी लड़की है, हैं? मैं तुझे किसी लालच में खिला रही हूँ बिस्किट? तो फिर मिठाई भी दे। ले। पर लाली मीठी गोली ज्यादा मत खाया कर, दांत खराब होते हैं, बहन जी बता रही थी। मौसी, तेरा पपीता बड़ा मीठा था। तो ठीक है, मैं तुझे संध्या को पपीता भी खिला दूंगी। ठीक है, पर मुझे करना क्या होगा? तू सबसे कह देगी। नहीं कहूंगी। खा मेरी कसम। मौसी तुम्हारी कसम। सच्ची? सुन, तू मुझे चुपके चुपके पढ़ा देगी? हाँ मोती, पढ़ा दूंगी। तो फिर मैं तुझे रोज बिस्किट दिया करूंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही पढ़ा दूंगी। सच्ची?